अस्सलाम वालेकुम क्लास। चैप्टर नंबर टू प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने आज सीखना है कि क्लास बाउंड्री किस तरह कैलकुलेट होती है। लेक्चर नंबर फाइव हमारा आज का होगा कि क्लास बाउंड्री CB जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो किस तरह कैलकुलेट होती है। ठीक है जी, ग्रुप डेटा आपके पास गिवन होता है एग्जाम में, आपका गिवन ग्रुप डेटा गिवन होगा और वो आपसे कहेगा कि इसकी CB कैलकुलेट कर दिखाएं। तो CB क्लास बाउंड्री किस तरह कैलकुलेट होगी ये डिपेंड करता है आपके क्लास इंटरवल पर। जो क्लास बाउंड्री होती है वो कैलकुलेट होती है क्लास इंटरवल से। ये क्लास इंटरवल हेल्प कर रहा होता है आपका किस चीज़ में, क्लास बाउंड्री के कॉलम को रेडी करने में। अगर आपकी क्लास बाउंड्री सेम फॉर्म में नहीं है तो फिर आप कैलकुलेट करते हो CB का कॉलम। सेम फॉर्म में किस तरह नहीं है इसको देख लेते हैं, किस सेम चीज़ की बात कर रही हूँ मैं। देखें यहाँ पर 29 है, फिर अगली वैल्यू स्टार्ट हो रही है 23 से, सेम नहीं है। 34 अगली वैल्यू स्टार्ट हो रही है 35 से, ये भी सेम नहीं है। 39 स्टार्ट हुआ 40, 44 फिर 45, 44 फिर 50, 54, 55, 55 से 69, 69, 64 से, सॉरी 59 से 60, 64, 65 फिर 69 और 70। तो ये दोनों क्रॉस में अगर हम क्लास इंटरवल को देख रहे हैं, एक की अपर क्लास और एक की लोअर क्लास, तो फिर इससे क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रही हैं। अच्छा ये भी देख लीजिए, क्लास इंटरवल की ये वाला साइड जो होता है ये कहलाता है लोअर क्लास, इसे लोअर क्लास इंटरवल भी कहते हैं आप। और ये वाला साइड जो होता है ये कहलाता है अपर क्लास, अपर क्लास इंटरवल भी कहते हैं इसे। ठीक है जी, तो ये देखें क्रॉस में हमने देखा तो हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से अलग है। अब हमें क्या करना है, CB बनाना है। हम ये चेक करने के बाद जाते हैं CB की तरफ। CB करता क्या है, CB आपके डेटा को सेम कर देता है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 29 से 30 तक अलग अलग वैल्यू आ रही है, इस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो CB कैलकुलेट कर रहे हैं। डिफरेंस नहीं रहेगा बल्कि हर वैल्यू सेम हो जाएगी, डिफरेंस को हम ख़त्म कर देंगे। कैसे, ये डेटा आपके पास कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा है। 25, 29, 30, 34 डिस्क्रीट डेटा होल नंबर है, पॉइंट फॉर्म में नहीं है। पॉइंट फॉर्म में होता तो वो कंटिन्यूस डेटा कहलाता। तो डिस्क्रीट डेटा है, इसके लिए CB रेडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी अपर लोअर क्लास बाउंड्री होती है इससे आप माइनस करवाते हो 0.5 हर वैल्यू से। ठीक है, और ये वाली क्लास जो होती है अपर क्लास इंटरवल, इससे आप प्लस करवाते हो 0.5 हर वैल्यू में, तो रेडी हो जाता है आपका क्लास बाउंड्री का कॉलम। कैसे देख लेते हैं, सबसे पहले हम 25 पर गए, हमें क्या करवाना है इससे -0.5, 25 -0.5 तो हो गया 24.5। ठीक है, 30 से फिर माइनस करवाना है 0.5 तो फिर 29.5 हो जाएगा। 35 से माइनस करवाया 0.5 तो 34.5 हो गया। 40 से माइनस करवाया 0.5 तो 39.5 हो गया। ठीक है, 45 से माइनस करवाया 0.5 तो 44.5 हो गया। 50 माइनस 0.5 तो हो गया 49.5। इस तरह आपका ये वाला कॉलम जो है वो रेडी हो जाएगा और ये कहलाता है आपका लोअर क्लास। जैसे ये था लोअर क्लास, सेम वो भी लोअर क्लास ही है, लेकिन यहाँ पर क्लास इंटरवल था, वहाँ पर क्लास बाउंड्री होगी CB लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, अब चलते हैं अपर की तरफ। अपर में हमने कहा था 0.5 प्लस करवा रहे हैं अगर डिस्क्रीट डेटा है तो। अब 29 में प्लस होगा 0.5 तो हो गया 29.5, 34 में प्लस किया 0.5 तो हो गया 34.5, देन 39 प्लस 0.5 39.5। इस तरह हर वैल्यू में प्लस करते हुए गए 0.5 तो रेडी हो गया आपका ये वाला कॉलम 29.5, 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59.5, 64.5, 69.5 और लास्ट में 74.5। ये क्लास कहलाएगी आपकी अपर क्लास बाउंड्री। सेम ऐसे ही ये था ना अपर क्लास इंटरवल, इससे निकलने वाली क्लास बाउंड्री अपर क्लास बाउंड्री कहलाएगी। मैंने कहा था ये डेटा सेम नहीं है, क्लास बाउंड्री आपके डेटा को सेम कर देती है। आइए चेक कर लेते हैं, 29.5 अगली वैल्यू 29.5, 34.5 नेक्स्ट वैल्यू 34.5, 39.5, 44.5, 49.5, 54.5, 59, 64, 69। तो इस तरह आपका डेटा सेम हो गया। ठीक है जी, तो क्लास ये था क्लास बाउंड्री का कुछ छोटा सा मेथड। अभी हमने डिस्क्रीट डेटा की बात की है, नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यूस डेटा यानी पॉइंट फॉर्म में अगर क्लास इंटरवल गिवन हो तो उसकी क्लास बाउंड्री किस तरह निकालते हैं, कौन सी वैल्यू आपको प्लस और एड लेस करनी पड़ती है, प्लस और माइनस करनी पड़ती है, वो हम सीखेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।